जय हिंद बच्चों, आज हम लेंगे पॉलीनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। इससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था पॉलीनोमियल्स इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या रिलेशन होता है, अल्फा बीटा क्या होता है। जिन लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, जाके पहला वीडियो देख लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे लेक्चर के ऊपर। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। होता क्या है कि भाई जब हम एनसीईआरटी लगाते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं, बट कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चन को लेके आऊंगा, साथ में इस वीडियो के एंड तक चलते चलते कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है, तो अगर ये वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगे अपने दोस्तों को शेयर कर देना, उनको भी दिखा देना। ठीक है भाई, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, बहुत बेसिक वीडियोज बन रहे हैं अभी एनसीईआरटी के बनेंगे, फिर थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन आएंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे। जो बुक बोलोगे, जिस बुक बोलोगे, उस बुक के क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 में। वो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, फाइंड इट्स जीरोज। पहले तो उसके जीरोज निकालो। बोलो यार, क्या निकालो? इसके जीरोज निकालो। ठीक है, और इसके जीरोज निकालने के बाद इसके जीरोज और इसके जो कोफिशियंट हैं उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके पहले कोफिशियंट निकाल लेते हैं। आप सबको पता है स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो चीज पता है वो चीज लिख लीजिए। ए एक्स स्क्वायर के आगे ए होता है, ए कितना है बोलो यार, 1। बी कितना है ही नहीं बी, तो देखो ना एक्स के आगे बी है, यहाँ कहीं एक्स है नहीं, तो बी कितना हो गया 0। सी के आगे कितना है माइनस 3, सी कितना हो गया माइनस 3। गुपचुप 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 हो गया ना। चलो ए बी सी निकल गया। ठीक है, अब जरा इसके जीरोज निकाल लेते हैं। इसके जीरोज निकालने के दो तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वो वाली अप्रोच ले सकते हैं। मैं इसको जीरोज दो अप्रोच से निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको लिखता हूँ एक्स को एक्स का होल स्क्वायर और 3 को रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0। एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस रूट 3, और जब ये 0 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस रूट 3। तो 0 आ गए। बोलो यार, एक और अप्रोच है यहीं से जीरोस निकालने की। देखो वो क्या है, वो कहती है कि सर साफ सीधी बात है, आप क्या करो, आप एक्स स्क्वायर इसके जीरोस निकाल लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो, आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 कर दो। जब आप रूट लोगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्लस माइनस क्यों होता है। जब आप प्लस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 3 बनेगा, और जब माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या बनेगा 3 बनेगा। तो आप इस तरीके से आप ये वाली अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। बोलो यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपके जीरोज निकल गए। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया हुआ है किसी भी एक जीरो को अल्फा मान लो। मान लो अल्फा की वैल्यू रूट 3 है और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3 है। ठीक है, ये आपने मान लिया। ठीक है, अब आपको तो बताइए आपने आराम से जो अप्रोच सही है इन दोनों में से कोई एक करना, दोनों नहीं करने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके। ये तो हमने जीरोज निकाल लिया, हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब हमें इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। आप सभी को पता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बोलो यार, पढ़ाया था? भूल जाते हो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस की जगह में माइनस बी। तुम कितने हो? अरे बी तुम कहाँ हो? तुम तो हो ही नहीं। बी तुम कितने हो? 0। और ए तुम कितने आ गए? 1। तो आंसर कितना आ गया? 0। इसका मतलब इस तरीके से इसने बोला भाई साहब जो सम होगा वो क्या है 0। ठीक है भाई, सम 0 आ गया। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है सी अपॉन ए। बोलो यार, होता नहीं होता? सी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 और ए की वैल्यू 1। तो प्रोडक्ट और जो सम आया हमारे पास, जो सम आया वो आया 0 और जो प्रोडक्ट आया वो आया माइनस 3। ठीक है, ये तो हमारे पास किस मेथड से आया? बोलो यार, कोफिशिएंट वाले मेथड से। अब हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या यही यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जरा यहाँ से आप सम निकालिए फटाफट। बोलो यार, समझ आ रहा है? निकाल लोगे? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब जरा हम यहाँ जरा सम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से जरा सम निकालिए अल्फा प्लस बीटा। पहला जीरो अल्फा है रूट 3 प्लस दूसरा जीरो क्या है बीटा माइनस रूट 3। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 0। मैच करा नहीं कर रहा है, सब मैच कर गया। बोलो यार, सब मैच कर गया, यहाँ भी 0 वहाँ भी 0, मतलब इसमें भी 0। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की। अल्फा इंटू बीटा, पहला जीरो कितना है रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस रूट 3। ठीक है, रूट 3 रूट 3 3 बन जाएगा और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस
देखो ना, रूट थ्री, रूट थ्री थ्री बन गया और माइनस थ्री, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट भी मैच कर गया और हमारा क्या सम भी मैच कर गया। बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों ने लिया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं है, बोलो यार, समझ आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कहीं स्क्रीन कट तो नहीं हो रही है, चलो बोलो। राणा जी मुझे माफ करना, गलती मोरे से हो गई। मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। सही बात ही नहीं है। देखो सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखो सेम ऐसा क्वेश्चन है, वो मैं देखते मैं लिख के रखा, देखो वी एनसर्टेड क्वेश्चन है, वो है ये है, ठीक है, बोलो बोलो। इसमें क्या हो गया, वहां पर क्या था 3, यहां पर क्या आ गया 15, वही आप इसके रूट स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो इसके रूट स्प्लिट करेंगे उधर जाकर क्या जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, तो टी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 15, फिर यहाँ से ए निकालेंगे। तो जल्दी कर सकते हैं आप, ए कितना है टी स्क्वायर के आगे 1, बी कितना है टी के आगे, तो कुछ है ही नहीं, फ्रंट प्रॉब्लम इसका होगा ना, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है, बी कितना है 0, सी कितना है माइनस 15, अब सब कर लेंगे सेम वही पिछला प्रोसेस लगा के, बोलो यार यहाँ से हम निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कौन है, कर दोगे, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, चलो कर दोगे ना, नहीं कर पाओगे तो ग्रुप में मैसेज डाल देना भैया नहीं हुआ, ठीक है। और सोल्यूशन देखा करो, इंटरनेट खोलते हो, गूगल लेंस खोला, सोल्यूशन डाल दिया, अब क्या फायदा हो सोल्यूशन देख के, खाली है ये, खाली है नहीं तो भाई खुद से क्या करो, है ना भाई, जोर से बोल, हाँ जोर से बोल, हाँ चलो। अब आते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम कार्रवाई करनी है, बट इसमें इक्वेशन इस बार चेंज हो गई है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 8, ठीक है, आपको पहले इसके जीरोज निकालना है, ठीक है, इसके जीरोज क्या निकालने के बड़ी सिंपल तरीका है, 4 8 मल्टीपल है, बोलो यार 4 2 8 है ना, तो 4 कॉमन ले लीजिए, साथ में यू कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या यहाँ पर क्या बचेगा, यू प्लस 4 2 8 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब सोचने वाली बात है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा, अरे समथिंग, देखो आपके पास दो नंबर है, समझने की कोशिश कीजिए, ए इंटू बी, आपका आंसर जीरो आ गया, मान लो इसकी वैल्यू 5 है, आपको आंसर जीरो लेके आना है, तो आपको 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से, इसका मतलब ये जीरो हो गया, और अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसे जीरो होना पड़ेगा, तो केसेस क्या है, अगर आपको मल्टीप्लाई वाला आंसर जीरो करना है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या दोनों ही जीरो होंगे। तो जीरोस निकालने के लिए एक बार तो करेंगे हम 4u को इक्वल टू 0 और एक बार हम करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये देखिए सॉल्यूशन देखा और मेरे को भेज दिया भैया, कर दिया ये लो चेक करो, क्या फायदा उसको कर गया यार, u कितना आ गया यहाँ से 0 अपॉन 4 इज 0, 0 अपॉन 4 देगा 0 हो जाएगा, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस आ गया 0, पहला 0 अल्फा, दूसरा 0 बीटा। अब जरा यहाँ से ए बी सी निकालते हैं, ठीक है, ए बी सी करने का फिर वही तरीका अपना, वही जुगाड़, ए u स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इक्वल टू 0, यू स्क्वायर के आगे a है तो a कितना है 4, u के आगे b है तो b कितना है 8, चेंज हो सकता है, ये कभी x स्क्वायर हो, कभी t स्क्वायर हो, कभी p स्क्वायर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, c कितना है 0, ठीक है, आपको तो बताइए सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बोलो यार माइनस बी अपॉन a अल्फा प्लस बीटा माइनस b, तुम कितने हो 8, ए तुम कितने हो 4, कैंसिल करेंगे कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस के 2 आ गया सब माइनस 2, बोलो यार। अब निकालते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए, सी तुम्हें ठोक दो, सी तुम कितना हो 0, ए तुम कितने हो 4, 0 अपॉन 4 इज 0, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 0, प्रोडक्ट कितना आ गया 0। अब जरा इसकी इसे कार्रवाई को ऐसा कर लेते हैं, बोलो यार निकालो जरा सब निकालो, 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2, तो कितना आ गया सम माइनस 2, आ गया नहीं आ गया, बोलो यार आ गया ना सम, माइनस 2 मैच कर रहा है, देख मैच कर रहा है। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 0 इंटू माइनस 2 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट भी मैच कर गया, बस यही तो आपको मैच करना है, ठीक है, समझ आ रहा है, बोलो यार, ठीक है बैठा दो एकदम छापते रहा करो, रफ कॉपी, कॉपी लेके बैठा करो, रफ कॉपी लेके,
और अगर सोचते ना कि तुम्हें 5 मिनट की वीडियो में कोई कोई क्वेश्चन करा देगा या 5 मिनट की वीडियो में आवाज में पॉलीगन सिखा दूं, कद्दू बना रहा तुम्हारा 5 मिनट की वीडियो में, बात कर रहे हैं 5 मिनट की पढ़ाई हो रही, 5 मिनट तो बातें करने में लग जाते हैं ऐसी हंसी मजाक की थोड़ी सी, है ना भाई बोलू सही कर रहे ना। चलो और बताओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि उसमें आपको आपका एनजीआरटी क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है, उसमें आपको सम और जीरोस दिए थे और पॉल नंबर डिफाइन करना है, ठीक है। मैं एक ही पार्ट ले रहा हूँ कोई भी, ठीक है। उसमें आपको सम दिया हुआ है 0 और आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, बोलो यार रूट फाइव है ना, हाँ रूट फाइव ही है। सम ऑफ जीरोज 0 दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है रूट फाइव दिया, आपसे बोला पॉल नंबर, आपको सिखाया गया था पॉल नंबर आने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर ये तो खत्म हो गया प्लस रूट फाइव, ये है आपका बन गया पॉलीनोमियल, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनिए, इस बार तो मैंने आपको जानबूझ के सम और जीरोस दे दिया, आपने आराम से पॉलम में आ लिया, और हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना आए, ठीक है, क्योंकि एनजीआरटी बेस्ड रूट है नहीं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर सकते हैं, वो क्या करते हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं। तुझको मैं रख लूंगा जहां पर कभी तेरा उसने सर क्वेश्चन बोला कि बच्चों एक पॉलीनोमियल है जो आपको बनाना है, हूज जीरोज आर तो पहले आप सम खुद निकाल लीजिए, 1 + 7 = 8, आप प्रोडक्ट खुद निकाल लीजिए, 7 = 7 रद्दी होगा तो क्वेश्चन फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना, बोलो यार 8 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 7 बन गया पॉलीनोमियल, हो गया पढ़ा दो। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ये तो हुई एनसीईआरटी की बात, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ठीक है, और इस क्वेश्चन के एंड में कुछ होमवर्क छोड़ूंगा, वो मुझे ग्रुप का करना, बोलो यार, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा बोलेगा क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा, ये एंड है क्या बनाता हूं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, कोई पॉलीनोमियल देगा तुमको एक्स स्क्वायर, याद नहीं मेरे को, मैं देख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, उसने बोला कि ये कोई कोई पॉलीनोमियल है, इसके जीरो से अल्फा और बीटा, देन फाइंड क्या बोला फाइंड करने के लिए, 1 upon alpha + 1 upon beta और सेकंड पार्ट, बोलो यार पढ़ते ये, और सेकंड पार्ट क्या बोलने वाले करने के बोल रहे हैं आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दो पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो इसे करने के दो मेथड है, ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आप अपना ब्रेन अप्लाई करें, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, और एक काम है कि बस वही छोटू बैल जो था ना, बैल लगा पड़ा वही काम है गधे की तरह, ठीक है, यहाँ से जीरोस निकालेंगे, अल्फा निकाला यहाँ से बीटा निकाला, स्प्लिट करके अल्फा को यहाँ रख दे बीटा को यहाँ रख दे, अल्फा को यहाँ रख दे बीटा को यहाँ रख दे, ऐसा गेम खेलेगा ना कभी, ऐसा पॉलीनोमियल देगा ना जो टूटेगा भी नहीं, फिर लग जाएंगे वहीं तुम्हारा टूटेगा पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अब सुनो करना कैसे, समझने की कोशिश करो, देखो इसे करना कैसे है, एक बात बताओ ये सब भूल जाओ, जैसे तुम्हारे माइंड में तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें क्या सिखाया पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, भाई मैंने तुम्हें सिर्फ ये सिखाया कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -8 है, बस मैंने आपको यही सिखाया, और मैंने आपको क्या सिखाया इससे एक्स्ट्रा, मैंने आपको बस ये सिखाया कि सर जो सम होता है ना वो होता है -b/a, ठीक है, तो सम क्या होता है -b/a, तो सम होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, माइनस रख दिया फॉर्मूले का, बी की वैल्यू कितनी है -2, ए कितना है 1, माइनस माइनस कट जाएगा तो
सम की वैल्यू कितनी आ गई, टू। एक तो मैंने आपको सम सिखाया है और तो कुछ नहीं सिखाया, और मैंने आपको एक प्रोडक्ट सिखाया है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, सी अपॉन ट्वेल्व इंटू बीटा। सी कितना है माइनस एट, ए कितना है वन, तो प्रोडक्ट कितना आ गया। उसका मतलब मैंने बस आपको ये तो सिखाया अब तक कि भाई या तो आप सम निकाल लो या आप प्रोडक्ट निकाल लो बिना स्प्लिट किए, ठीक है। क्या मैं इस फॉर्म को, इस फॉर्म इनका कुछ यूज कर सकता हूँ इसमें, कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही, आप कर सकते हो। देखिए क्या कीजिए, आप यहाँ ऐसे लीजिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अल्फा यहाँ होगा। अब मैं चाहे बीटा में अल्फा जोड़ो या अल्फा में बीटा जोड़ो, एक ही बात तो है भाई, दो में चार जोड़ो, चार में दो जोड़ो, बनता छः ही है, छः, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। बोलो यार, यहाँ से चुपचाप वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, ठीक है। ये तो ये सेम चीज़ तो है ये, इसको मैंने ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। प्लस की वैल्यू यहाँ कितनी, प्लस की वैल्यू कितनी है टू, सम की वैल्यू, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है एट। तो आपका आंसर कितना आ गया, वन अपॉन फोर। यानी कि इस पर्टिकुलर जो मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा था, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन फोर। अब सुनिए, इसे करने की एक अप्रोच और भी थी, आपको ये समझ आया, ये वाली अप्रोच आपको समझ आई, बोलो यार, बता दूँ इसको। इसे करने की एक अप्रोच और भी है, वो और भी सही है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको यहाँ तक तो कार्रवाई करनी करनी है। एलसीएम लीजिए अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। इसको सही करके ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा। आप बताओ मेरे पास बीटा क्या होता है, सम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और नीचे प्रोडक्ट होता है, इसे क्या होता है, सी अपॉन ए, ए से ए कट गया, ठीक है, सीधा क्या आ गया, माइनस बी अपॉन सी आ गया, सीधा सीधा बताओ आपकी सीधे सीधे वैल्यू निकल गई। क्या करो, चुपचाप माइनस की जगह जो बोल रहा है वो कर दो, माइनस का माइनस लगाओ, बी कितना है, बोलो यार बी कितना है, ढूंढो बी, बी का ये रहा बी, बी कितना है माइनस टू, और सी कितना है माइनस एट, कितना है सी, बोलो यार बी कितना है, ठीक है सम, ठीक है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सी कितना है, सी कितना है माइनस एट, ठीक है, इक्वल्स टू, सॉल्व कर देंगे माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर, ठीक है। सही बात है कि नहीं बात है, सही बात है, मेरे ख्याल से पिछड़ा आंसर हमारा गड़बड़ कर दिया था कि हमने, ओहो ये प्रोडक्ट माइनस एट है, तो इससे पिछड़ा क्वेश्चन में जब ऐसा हमने जब किया था ना, याद रखना इससे पिछड़ा क्वेश्चन पर एडिटिंग कर दो, थोड़ी सी चेंज कर लो, सम की वैल्यू मैंने वैल्यू देखना भूल गया, सम की वैल्यू कितनी है टू, प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस एट, तो माइनस वन अपॉन फोर आएगा पिछले पार्ट में, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, आंसर माइनस वन अपॉन फोर है, वन अपॉन फोर नहीं हो, माइनस इतना भूल गए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बोलो यार ये क्वेश्चन आपको समझ आई, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम देना है, और ऊपर सम की वैल्यू, नीचे प्रोडक्ट की वैल्यू, या तो पहले सम प्रोडक्ट अलग से निकाल के रख दो, या फिर उनको यहीं सॉल्व कर दो, जो आपको सही लगे आप उस अप्रोच से कर सकते हो, बोलो यार। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर, डब अब देखो इसको नहीं मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे फिर काम आने वाला है। अब मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई एंटिटी याद आ रही है, कोई सी तो आ रही होगी, नहीं आ रही, याद करो, देखो मैं बताता हूँ कौन सी एंटिटी है, ये एंटिटी सुनिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सेम एंटिटी को अल्फा के टर्म में लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। ध्यान से निकालो, हमें क्या निकालना है, ये हमको निकालना है, ये निकालना है ना, तू उधर चले जा, सही बात है कि नहीं बात है, तू उधर चले, बोलो यार तू उधर चले जा, तो हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऐसा कैसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जब ये वैल्यू इस साइड आएगी जिसमें माइनस लग जाएगा आगे से, तो ये क्या जाएगा टू अल्फा बीटा, सही बात है कि नहीं बात है। बहुत बेसिक चीज़ है यार, जो लोगों ने कर लिया वो तो हंसते बोलेंगे ना, क्या चल रहा है, इसको बिल्कुल मजाक है। सम, सम आपको दिया हुआ ऑलरेडी टू, तो सम की वैल्यू यहाँ रख दो, तो टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ आपको माइनस एट, ठीक है, तो ये कितना जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना आ गया बोलो, टू टू जा फोर, माइनस प्लस प्लस एट टू जा सिक्सटीन, तो कितना आ गया आंसर, अल्फा स्क्वायर मुझे दिख रहा है क्या, जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आ गया ना वैल्यू, दो का स्क्वायर चार, अर्धनी सोलह, सोलह सोलह, ठीक है, बोलो यार 20 आ गई वैल्यू, कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
कोई अगर थोड़ा नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको ऐड कर दी यहीं 20 लो, अल्फा स्क्वायर लो, बीटा स्क्वायर लो, यहीं 20, तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। आपको समझा मैंने किस तरह से आइडेंटिटी का यूज़ करके इन चीज़ों का यूज़ किया? ठीक है, जो चीज़ मेरे को चाहिए, जो चीज़ मेरे को चाहिए उसको लेफ्ट में ले जाओ, जो चीज़ मेरे को चाहिए उसको लेफ्ट में ले जाओ। पूरी आइडेंटिटी खोलो, पूरी आइडेंटिटी खोलो, आइडेंटिटी में से जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको एक साइड ले जाओ, और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको एक साइड ले जाओ। जैसे ही आप आइडेंटिटी में जो चीज़ आपको नहीं चाहिए आप उसको इस साइड लेके आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसकी आप पे ऑलरेडी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो आप आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बोलो यार, समझ आ रहा है? चलो समझ आ रहा है। अब सेम आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों को ग्रुप में इसका आंसर सेंड करना है, ठीक है? चलो हटा दो इसको, अप्रोच देख लो, कॉपी कर लेना चाहें, बार बार देखना, नहीं तो मैं वीडियो फिर देखना। कैसे यार, पहला पार्ट वही 1/अल्फा + 1/बीटा, दूसरा पार्ट यही है, ठीक है, और तीसरा पार्ट आप मेरे लिए करेंगे। चलो ये दो ही कर लो आप पहले, ठीक है, ये दो ही करना, मेरे को ग्रुप सेंड करना। मैं आपको पॉलीनोमियल में दो पॉलीनोमियल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉलीनोमियल दे रहा हूँ, देख ध्यान से, पॉलीनोमियल क्या है, x² + 4x + 9, मैंने कुछ भी लिख दिया। पहला पॉलीनोमियल ये है और दूसरा पॉलीनोमियल है x² + 8x + 7। आप चाहे इसके लिए कर लीजिए, चाहे आप इसके लिए कर लीजिए, एक पॉलीनोमियल और देख रहा हूँ, 3 2x² + 6x + 12, ठीक है, तो ये तीन पॉलीनोमियल हैं, इसके भी जीरो अल्फा बीटा है, इसके भी जीरो अल्फा बीटा है, इसके भी जीरो अल्फा बीटा है। पहले आपको इस क्वेश्चन के लिए दोनों पार्ट निकालने हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन के लिए दोनों पार्ट निकालने हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन के लिए दोनों पार्ट निकालने हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले, आप 10th क्लास के बच्चे हो, इसे दिमाग लगाना, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार सोचना, ये नहीं कि सीधा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्या कुछ ऐसा जुगाड़ है जिससे ये वैल्यू छोटी हो सकती है, ठीक है, सोचना, बोलो यार, कर सकते हो ना, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक है, तो फिर क्या करें? तो अब जब मैं अगली वीडियो में आऊँगा, अगली वीडियो में आपके लेके आएंगे एक्सरसाइज 2.3, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिवीजन मेथड, किस तरह से पॉलीनोमियल को अपन लोग डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा होगा, अब क्योंकि 10th में है, इसलिए मेरा काम है करवाना, और मैं करवाऊँगा। तब के लिए जय हिंद।